हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जुलाई 2020 में होने वाली सीटेट प्राइमरी परीक्षा के लिए हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 450 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत यह हमारा तीसरा वीडियो है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो सीटेट जुलाई 2020 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैसों, ईंधन आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है, यानी द मेन रीजन फॉर इंक्लूडिंग द एसेंशियल कमोडिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ गैसेस फ्यूल इटीसी इन द एनवायरमेंट। यानी जो हमारे पर्यावरण अध्ययन जो विषय है उसमें हम वस्तुओं, गैसों, ईंधन आदि को जब सम्मिलित करते हैं तो उनको सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है। पहला ऑप्शन है आपके सामने उनके संरक्षण के लिए, फॉर प्रोटेक्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका उपलब्धता जानने के लिए, टू नो अवेलेबिलिटी। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने नष्ट करने के लिए, टू डिस्ट्रॉय। और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो यानी जो आपके वस्तुएं हैं जीवन में प्रयोग आने वाली, गैस है, ईंधन है, इस प्रकार की वस्तुओं, इनको हम पर्यावरण विषय में सम्मिलित क्यों करते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा कि उनका प्रोटेक्शन यानी उनकी रक्षा या संरक्षण करने के लिए, जिससे कि हम उन वस्तुओं के बारे में जान सकें और उनका संरक्षण कर सकें। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों और कहानी कथन का प्रयोग करना। यानी जब पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा होती है उसमें हम कविताओं, कहानियों और कहानी कथन का प्रयोग करते हैं तो वह क्या दर्शाता है। द यूजिंग पोएम्स एंड स्टोरीज स्टोरी टेलिंग टू एस एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन द क्लासरूम ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। दूसरा ऑप्शन है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है यानी। और तीसरा ऑप्शन है आपका, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो आपका जो पर्यावरण अध्ययन है, जब हम उसमें अवधारणा को स्पष्ट कर रहे होते हैं तो हम उसमें कविता, कहानी और कहानी कथन का उपयोग करते हैं, तो वह किस प्रकार से उपयोगी है। तो इसमें आपका फोर्थ पॉइंट ऑप्शन जो होगा वह सही आंसर होगा। हेल्प्स डेवलप टू एबिलिटी डिस्कवर एंड विजुअलाइज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड लोकली एंड ग्लोबली। यानी स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, कल्पना करने और योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो इसमें आपका फोर्थ पॉइंट इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है क्योंकि। यानी लेमन सिंक्स इन ऑर्डिनरी वाटर बट फ्लोट्स इन द सॉल्टी वाटर बिकॉज। यानी जो आपका एक लेमन होता है वह आपका जो पानी है उसमें डूब जाता है लेकिन वही पानी अगर नमकीन हो तो उसमें वह तैरता है, तो इसका कारण क्या है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है यानी लेमन डेंसिटी इंक्रीज इन सॉल्ट वाटर। दूसरा ऑप्शन है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, लेमन डेंसिटी डिक्रीज इन सॉल्ट वाटर। तीसरा ऑप्शन है आपका, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है यानी द डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर इज हायर देन द डेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। फोर्थ ऑप्शन है आपका, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, द डेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी वाटर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी जो आपका नमकीन पानी जो होता है उसका घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है यानी द डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर इज हायर देन द डेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा, यानी जो नमकीन पानी होगा उसका घनत्व आपका साधारण पानी जो होता है उसके घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण जो नींबू होता है वह आपका जो सॉल्टी वाटर यानी जो नमकीन पानी होगा उसमें वह ऊपर तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर
में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि बेक ड्राइस कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर रिलेटिवली लॉन्ग टाइम इन द रेफ्रिजरेटर बिकॉज कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व तो कट जाता है या नष्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं यानी जर्म्स बिकम इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, द जर्म्स आर डिस्ट्रॉयड एट लो टेम्परेचर। यानी जो पके हुए चावल होते हैं अगर हम उनको फ्रिज वगैरह में रखते हैं तो वह अधिक समय तक परिचित किए जा सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो मुख्य कारण होता है वह आपका जो रोगाणु होते हैं फ्रीज में रखने के बाद, यानी जब कम तापमान होगा तो वो जो रोगाणु होंगे वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, जर्म्स बिकम इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर, यानी कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, क्वथन उबालना और बाष्पीकरण में अंतर है, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन। पहला ऑप्शन है आपके सामने, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। दूसरा ऑप्शन है, क्वथन में द्रव वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं देखा जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ ऑप्शन, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो इसमें आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्वथन और जो आपका यानी उबालना और वाष्पीकरण में क्या अंतर होता है। तो जब हम जो आपका वाष्पीकरण होता है वह वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन जो क्वथन होता है वह एक टेम्परेचर, जो एक लिमिट टेम्परेचर होता है उसके बाद ही वह उसका क्वथन या उबलना शुरू होता है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। यानी इस प्रकार हम दूसरे देखें कि जो आपका जो वाष्पीकरण होती है वो सदैव जले की सतह पर होता है और जो आपका वाष्पीकरण होगा यह अलग अलग तापों पर होता रहता है, लेकिन आपका जो क्वथन होगा वह हमेशा एक निश्चित तापमान पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, असेसमेंट शुड बी इंक्लूडेड एट प्राइमरी लेवल। पहला ऑप्शन है, यानी जो प्राथमिक स्तर पर जो आकलन होना चाहिए वह आपका पहला ऑप्शन है, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी में के अंतर्गत आने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों में और अभिभावकों में बांटना। फोर्थ ऑप्शन है आपका, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। तो इसमें आपका यह पूछा है कि आपके जो असेसमेंट है यानी प्राथमिक स्तर पर जो आकलन होता है उसमें क्या शामिल होना चाहिए। तो इसमें देखिए आप, जो आपका तीसरा ऑप्शन है के शेयरिंग ऑब्जर्वेशन मेड बाई टीचर विद चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स इन ए कंटिन्यूस एंड अनस्ट्रक्टेड मैनर, यानी जो शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किया गया जो अवलोकन है उसको बच्चों और अभिभावकों में उसको बांटना। यानी जो आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त जो तरीका होता है वह सतत तथा व्यापक आकलन है। इसमें आपका जो छात्र, शिक्षक और अभिभावक तीनों ही शामिल हो जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर होगा, यानी शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के बीच में बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस प्रकार के छात्र अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन होते हैं, यानी विच टाइप ऑफ स्टूडेंट इज लर्निंग रिसोर्सेज ऑफ फॉर ए टीचर। यानी किस प्रकार के ऐसे बच्चे होते हैं जो एक टीचर के लिए अधिगम संसाधन के रूप में होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है आपके सामने, वे छात्र जो अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं, स्टूडेंट्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू लर्न कॉन्सेप्ट्स। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, वे छात्र जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन सहपाठियों के कार्य की जांच नहीं कर सकते, यानी स्टूडेंट्स हु कैन लर्न द कॉन्सेप्ट बट कैन नॉट चेक द वर्क ऑफ क्लासमेट्स। तीसरा ऑप्शन है आपका, वे छात्र जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन अपने स्वयं के कार्य की जांच नहीं कर सकते। और फोर्थ ऑप्शन है, वे छात्र जो सीख सकते हैं और स्वयं के व अन्य सहपाठियों के
काम को भी जांच सकते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि जो एक किस प्रकार का जो छात्र होगा वह अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन के रूप में होगा। तो यानी वह छात्र जो खुद सीखे और सीखने के साथ साथ वह अपना अपने के साथ साथ अन्य बच्चों यानी अन्य सहपाठियों का भी काम को जांच सके। तो यह इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। स्टूडेंट्स हु कैन लर्न एंड चेक देयर ओन एंड देयर क्लासमेट्स वर्क, यानी वे छात्र जो सीख सकते हैं और स्वयं के व अन्य अपने सहपाठियों के काम को जांच कर सकते हैं, वे एक शिक्षक के लिए अधिगम संसाधन के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण विषय पढ़ाना, उनकी निम्न में से कौन से प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण कराने में करना सीखने में सहायता करता है। टीचिंग स्टूडेंट्स टू कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हेल्प देम लर्न विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज टू कंजर्व। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका वायु एवं जल, दूसरा है वन एवं वन्य जीव, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने पालतू तथा घरेलू जानवर, और अंतिम प्रश्न अंतिम ऑप्शन है आपके सामने बगीचों में उगने वाले पौधे। तो इसमें जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वे आपके हमारे लिए प्रकृति में जो उपलब्ध हैं वे प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी वन्य एवं वन्य जीव इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, वन्य एवं वन्य जीव यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण प्रबंध का कार्य है, द टास्क ऑफ मैनेजिंग द एनवायरनमेंट इज। पहला ऑप्शन है पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास, सी ऑप्शन तीसरा है पर्यावरणीय तत्वों की आलोचना, और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया है कि जो आपका पर्यावरण प्रबंध का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो पर्यावरण प्रबंध, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, यानी जो पर्यावरण के विभिन्न घटक हैं उनको सतत बनाए रखने का प्रयास, यानी वो हमारे जो भी घटक हैं वे हमारे भावी जीवन में यानी भावी जीवन के लिए वो बने रहें। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, यानी पर्यावरण प्रबंध जो होता है वह पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने से संबंधित है, और जो इसका उद्देश्य जो मुख्य उद्देश्य है भावी पीढ़ी के लिए साधनों को बनाए रखना है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है। इन कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन व्हाट डज द टर्म कंटिन्यूस रिप्रेजेंट प्राइमरी लेवल, अधिगम के लिए मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम में मूल्यांकन या अधिगम का मूल्यांकन। तो जो आपका निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन यानी जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन में जो आपका टर्म जो कंटिन्यूस है यानी जो निरंतर है उसका अर्थ होता है आपके अधिगम के लिए मूल्यांकन। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा, यानी शिक्षण अधिगम के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकन एक निरंतर मूल्यांकन की प्रक्रिया है और इसे हम अधिगम के लिए मूल्यांकन कहते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्यावरण के शिक्षण हेतु अनुदेशन आत्मक प्रक्रिया में अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में विभिन्न शिक्षण तत्वों का विश्लेषण व्यवस्था की जाती है, इसके तत्वों में समावेश नहीं है, यानी जो आपकी पर्यावरण शिक्षा जो शिक्षण है उसमें अनुदेशनात्मक जो प्रक्रिया होती है उसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों की व्यवस्था की जाती है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है उद्देश्यों की रचना क्रिएशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑप्शन है कार्य विश्लेषण का वर्क एनालिसिस, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत झगड़ों का,
पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ लर्नर्स, और फोर्थ ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों की निष्पत्तियों के आकलन का। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा, जिसमें पूछा है कि समावेशन नहीं है, यानी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत झगड़ों का इसमें कोई समावेशन नहीं होता है। यानी जो आपके उद्देश्यों की रचना होगी, कार्य विश्लेषण होगा, और शिक्षार्थियों की जो निष्पत्तियों की आकलन जो होगा वह पर्यावरण हेतु अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में शामिल होता है, लेकिन आपके जो शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत जो झगड़े होते हैं वे इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता। दूसरा ऑप्शन है, जल और पेट्रोल रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। तीसरा है, जल और पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय है। फोर्थ ऑप्शन है, जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी सतह यानी ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। तो जो आपका पेट्रोल होता है वह जो जल होगा वह भारी होगा, लेकिन आपका पेट्रोल जो होता है वह हल्का होता है। तो जब हम पानी, जब आग लग रही होगी पेट्रोल में, तो जब हम उस पर पानी डालेंगे तो पेट्रोल वाला जो हिस्सा यानी जो सतह होगी वह बार बार ऊपर होगी, तो इसमें उसमें उसके ऊपर वह आग लगती रहेगी, और जो पेट्रोल और आपके पानी है या जल है वह अमिश्रणीय है, यानी इन दोनों का मेल नहीं हो सकता। तो आपका यही कारण है कि जो पेट्रोल ऊपरी परत पर आ जाता है और वह जलता रहता है, इसलिए इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी, वाटर एंड पेट्रोल आर इमिसिडिबल इन ईच अदर एंड पेट्रोल फॉर्म्स अंडर लेयर सो इट कीप्स ऑन बर्निंग। यानी पेट्रोल और जल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है इसलिए वह जलता रहता है। क्वेश्चन 13 है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों को और फर्श को लीपा जाता है क्यों? तो इसमें जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की जो दीवारें होती हैं उनको लेप दिया जाता है और उसका जो फर्श होता है उसको भी लेपा जाता है, तो इसमें मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है आपका, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, टू गिव नेचुरल कलर टू द फ्लोर। दूसरा है, कीटों को दूर रखने के लिए, टू कीप इंसेक्ट्स अवे। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, चिकना और साफ बनाने के लिए, टू मेक इट स्मूथ एंड क्लीन। और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। यानी इसमें आपका चार ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा कि कीटों को दूर रखने के लिए, क्योंकि जो आपका जो गोबर होता है उसमें मीथेन की मात्रा होती है जिससे जो आपके कीट होते हैं वह दीवारों पर नहीं आ पाते हैं या उनके उसके आसपास जो इंसेक्ट्स होते हैं वह उससे दूर रहते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यानी आपको जो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पहेलियों को शामिल किया जाता है, तो इनमें से आपको बताना है कि उनका मुख्य उद्देश्य निम्न में से नहीं है। तो इसमें आपके सामने तीन ऑप्शनों में आपके उद्देश्य दे रखे होंगे, एक ऑप्शन आपका उद्देश्य नहीं होगा। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ऑब्जेक्ट टू इंक्लूड पजल्स इन एनवायरमेंटल स्टडीज टेक्स्ट बुक। यानी बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। नेक्स्ट है आपका, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, टू डेवलप द एबिलिटी टू ईगरनेस फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। और सी ऑप्शन है, बच्चों में आलोचनात्मक शक्ति का विकास करना, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग पावर इन चिल्ड्रेन। और फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन, इसका उद्देश्य यानी पाठ्य पुस्तकों में जो पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य नहीं है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, बल्कि जो आपका उद्देश्य होता है वह बच्चों में सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन का और एक इसके साथ साथ तर्क शक्ति का विकास करना होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रुधिर की जांच द्वारा किसी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। यानी जब ब्लड चेक किया जाता है तो उस समय किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? पहला ऑप्शन है,
लाल रुधिर कणिकाओं कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। दूसरा ऑप्शन है आपका लाल रुधिर कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। तीसरा ऑप्शन है रुधिर में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, और फोर्थ है रुधिर में मच्छर के लार्वा। तो इसमें आपका जो जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं, यानी उनमें जो मलेरिया का जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम वह होता है, उसके माध्यम से पता चलता है, यानी उसके माध्यम से यह पता चलता है कि इस व्यक्ति को मलेरिया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर होगा। यहाँ इसके साथ साथ छोटी सी जानकारी और बता दें कि जो आपका जो मलेरिया की शब्द का पहली बार प्रयोग जो किया था और मेलकुल का यानी मेलकुल काय द्वारा 1827 में किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लाल रुधिर कणिकाओं पर जो मलेरिया परजीवी होता है उसके द्वारा मलेरिया की पहचान की जाती है। और सबसे पहले जो मैकुलॉय थे उन्होंने 1827 में आपके सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है आपका विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। नेक्स्ट है आपका हमारी उपापचय कर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन है आपका पेशियों का विकास हमें ताकतवर बनाते हैं, यानी पेशियों का विकास करके हमें वो ताकतवर बनाते हैं। तो जो आपकी विटामिन है, तो जो विटामिन होती हैं वह आपकी सबसे जो महत्वपूर्ण होती हैं वह आपके रोगों से बचाव के लिए आवश्यक होती हैं, यानी इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, हीनता जन्य रोगों में बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। और यहाँ इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो विटामिन है वह विटामिन का आविष्कार आपके वैज्ञानिक फंक ने 1911 में किया था, और यह हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए आवश्यक होती हैं आपकी विटामिन्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कक्षा कक्ष में एक शिक्षार्थी से ऊंट की चार विशेषताएं बताने को कहती है, यानी एक शिक्षिका शिक्षार्थी से ऊंट की चार विशेषताएं बताने को कहती है, और वह शिक्षार्थी चार विशेषताएं इस प्रकार बनाता है लिखता है, जिसमें पहला है ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, कैमल इज कॉल्ड डेजर्ट शिप। दूसरा है ऊंट की त्वचा मोटी तथा शुष्क होती है, कैमल स्किन इज थिकी एंड ड्राई। तीसरा ऑप्शन है आपका ऊंट बिना जल के कई दिनों तक रेगिस्तानी जमीन पर चल सकता है, कैमल कैन वॉक ऑन डेजर्ट लैंड मेनी डेज विदाउट वाटर। लास्ट ऑप्शन है आपका सामान्यतः एक प्यासा ऊंट एक बार में 30 गैलन पानी पी सकता है, नॉर्मली ए थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक 30 गैलन ऑफ वाटर एट ए टाइम। तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषताएं जो छात्र ने लिखी हैं वे सही हैं। तो आपके सामने कोड कुछ दे रखे हैं, उनको देखिए, पहला दूसरा और चौथा सही है या फिर आपके ये सभी सही हैं। तो इसमें आपका ऑल ऑफ दीस यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा कि जो ऊंट होता है ऊंट की त्वचा मोटी एवं शुष्क भी होती है, और यह बिना जल के रेगिस्तान में कई दिनों तक चलने में सक्षम होता है, और इसलिए रेगिस्तान जो आम ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। और आपका जो एक ऊंट होता है वह एक बार में लगभग 30 गैलन पानी पी सकता है। तो इसमें आपके चारों विशेषताएं जो छात्र द्वारा लिखी गई वो चारों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की कील पारे में तैरती है, बाय मिस्टेक बारे है, यहां पर पारे होगा, जबकि यह पानी में डूब जाती है क्योंकि एन आयरन नेल्स फ्लोट्स अबाउट वाइल इट सिंक्स इन वाटर बिकॉज कि लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है, इस कारण डूब जाती है। दूसरा है लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है इसलिए डूब जाती है। तीसरा ऑप्शन है लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है इसलिए डूब जाती है। और लास्ट ऑप्शन है पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है इसलिए वह डूब जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ इसका सही होगा, द डेनिस्टी
डेंसिटी ऑफ मरकरी इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी जो पारे का घनत्व होता है पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए आपकी जो लोहे की कील होती है वह आपके पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका, गोताखोर द्वारा सांस लेने में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? व्हाट इज द गैस विच इज ट्रैप्ड इन स्नेक्स बाय डाइवर? तो इसमें ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा ऑर्गन, और लास्ट ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन तथा नियोन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। जो ऑक्सीजन और हीलियम होती है वह गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है वह गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलेय होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित खतरों पर विचार करते हुए सही कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका, स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने के लिए बनाए गए आश्रय को प्रदर्शन आश्रय कहते हैं, यानी जो स्टेशन पर आपका इंतजार करते हैं वहां पर जो वेटिंग रूम होते हैं उनको हम जो आश्रय होते हैं उनको प्रदर्शन आश्रय कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, दिन प्रतिदिन काम करने आने वाले उत्पादों को बेचने के लिए बनाए गए आश्रय को सार्वजनिक आश्रय कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है, रैन बसेरे का निर्माण सरकार द्वारा भी किया जा सकता है या कराया जाता है। तो इसमें जो आपके 3 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, जो ट्रेन आपके जो आश्रय होते हैं वे, देखिए पहला एक होता है सार्वजनिक परिवहन आश्रय, दूसरा होता है प्रदर्शन आश्रय, और तीसरा आपने ये रैन बसेरे। तो यहाँ सबसे पहले हम बताते चले कि सार्वजनिक परिवहन आश्रय क्या होता है, उसके बाद आपके सामने जो उत्तर हुआ वो स्वयं निकल कर आ जाएगा। तो जो सार्वजनिक परिवहन आश्रय होते हैं वह स्टेशन पर ट्रेन का यानी ट्रेन का इंतजार करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो प्रतीक्षा कक्ष बनाए जाते हैं वे होते हैं। दूसरा आपका, जो प्रदर्शन आश्रय होते हैं यानी प्रतिदिन काम आने वाले उत्पादों को बेचने हेतु की गई व्यवस्था प्रदर्शन आश्रय कहलाती है। नेक्स्ट है आपका, जो रैन बसेरे होते हैं वह हैं आपके बेघर लोगों के आश्रय स्थल, जो विभिन्न समाज सेवी संगठनों द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसमें आपका 4th ऑप्शन इसमें सही होगा कि जो रैन बसेरे का निर्माण होता है वह सरकार द्वारा भी कराया जा सकता है, जबकि जो स्टेशन पर आपका आपके जहां पर ट्रेन का इंतजार करेंगे हम उसे सार्वजनिक परिवहन आश्रय कहेंगे, न कि उसको प्रदर्शन आश्रय। तो इसलिए इसमें आपका जो कोड दे रखे हैं उनमें आपका ओनली 3rd यानी 4th ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यानी रैन बसेरे का निर्माण सरकार द्वारा भी कराया जाता है। तो यह था फ्रेंड्स आज के लिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर वीडियो बनाते समय कोई मिस्टेक्स हो रही हो तो उनको भी अवगत कराएं, जिससे उन गलतियों को सुधारा जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।